दोस्तों, वैसे तो साइंस ने ह्यूमन लाइफ को सरल और सुगम बनाने में एक लंबी जर्नी तय की है। इनमें ऐसे अचीवमेंट भी शामिल हैं जिनको किसी समय सिर्फ कल्पना ही माना जाता था, चाहे वो हवाई जहाजों, टेलीविजन, टेलीफोन या कंप्यूटर। इन सभी इन्वेंशंस के बाद दुनिया में कई क्रांतिकारी बदलाव आए और आज हम आपको ऐसी आविष्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हम सभी की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। इस आविष्कार का नाम है प्लास्टिक। तो चलिए दोस्तों, और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्लास्टिक के बिना आज के जीवन की कल्पना करना बेमानी होगी, क्योंकि सही मायनों में प्लास्टिक हम लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। आप अपने अगल बगल बस एक नजर दौड़ाइए, आपको खुद ही दिख जाएगा कि हम लोग किस तरह प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि हम ह्यूमंस और प्लास्टिक का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि हमारी लाइफस्टाइल पर एक तरह से प्लास्टिक का कब्जा हो चुका है। लगभग हर छोटे बड़े सामान में प्लास्टिक का यूज होता है। अगर आप गौर करेंगे तो मॉर्निंग में टूथब्रश से शुरू हुआ प्लास्टिक का इस्तेमाल रात में मोबाइल चार्जिंग तक हमारे साथ रहता है। किसी चीज को खराब होने से बचाना हो या फिर कोई सामान ढोना हो, सबके लिए प्लास्टिक है ना। बच्चे की दूध की बोतल हो, चिप्स का पैकेट हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, हमारी दिनचर्या के हर हिस्से में प्लास्टिक का साथ मानो बेहद आम हो गया है। एक डेटा के अनुसार दुनिया में हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। लगभग 5 ट्रिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, हर मिनट लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक ड्रिंक्स बॉटल्स भी खरीदी जाती हैं। आंकड़ों की माने तो पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले प्लास्टिक का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ सिंगल यूज के लिए बनाया जाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। और यही सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी घातक बन चुका है। मगर क्या कभी इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए आपके दिमाग में ख्याल आया है कि अगर ये इतना ही घातक है तो इसे बनाया क्यों गया था और प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था? तो आपकी क्यूरियोसिटी हम खत्म किए देते हैं। प्लास्टिक की हिस्ट्री से जुड़े हर सवाल का जवाब आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, दुनिया के सामने सबसे पहले प्लास्टिक का आविष्कार साल 1855 में अलेक्जेंडर पार्क्स ने किया था, जिसे इन्होंने ग्रेट इंटरनेशनल एग्जीबिशन इन लंदन में सबके सामने प्रदर्शित किया था। लेकिन जो प्लास्टिक हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सही मायनों में पॉलीमर प्लास्टिक है, जिसका आविष्कार 1907 में बेल्जियन अमेरिकन केमिस्ट लियो बेकलैंड ने किया था, जिसे बेकेलाइट नाम दिया गया था। बता दें कि प्लास्टिक शब्द भी लियो ने ईजाद किया था। इस आविष्कार के बाद उन्होंने अपने जर्नल में लिखा था कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा यह आविष्कार भविष्य के लिए अहम साबित होगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वक्त के साथ पूरी दुनिया में प्लास्टिक का राज कायम हो गया। शुरुआती दौर की बात करें तो मूल रूप से इसे पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक समाधान के रूप में बनाया गया था, जिसके पीछे कई आर्थिक और व्यावहारिक कारण भी थे। हालांकि 1950 और 70 के दशक तक इसका यूज काफी कम हुआ करता था, मगर 90 के आते आते दशक तक इसका इस्तेमाल 3 गुना बढ़ चुका था और फिर 2000 की शुरुआत में इसका इस्तेमाल में इतने उछाल देखने को मिला जो पिछले 40 सालों में नहीं देखा गया था। अब ये तो जाहिर है कि जो प्लास्टिक कभी हमारे लिए सुविधा का जरिया था, वहीं आज की 21वीं सदी में प्रकृति के लिए अभिशाप बनकर उभर रहा है। दोस्तों आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि पिछले 100 सालों में हमने इतना ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया है कि यदि हम इसे एक जगह पहाड़ के रूप में एकत्रित करें तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगी। एक निराश कर देने वाला फैक्ट ये भी है दोस्तों कि पूरी दुनिया में प्रोड्यूस प्लास्टिक वेस्ट का सिर्फ 9% हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इसी प्लास्टिक वेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में फेंक दिया जाता है, जहां समुद्री जीव या तो इसे भोजन समझकर खा लेते हैं या इसमें फंसकर वो अपनी जान गंवा देते हैं। आंकड़ों के अनुसार हर साल 100 मिलियन एनिमल्स इस वेस्ट प्लास्टिक को खाकर मर जाते हैं और करीब 1 लाख की मौत हो जाती है इसमें फंसने की वजह से। बर्ड्स, फिश, टर्टल्स, डॉल्फिन, शार्क्स और व्हेल्स जैसे करीब 1200 प्रजातियां इस प्लास्टिक की वजह से प्रभावित होती हैं। इसी तरह रोड पर फेंके गए कचरे को खाने से कई पशुओं की भी जान चली जाती है, जिसमें गायों की अच्छी खासी संख्या शामिल है। यहां भी अगर हम डेटा पर नजर डालें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की 2017 की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ लखनऊ में ही एक साल में करीब 1000 गायों ने इस प्लास्टिक की वजह से अपनी जान गंवाई थी।
जानवरों की मौत के आंकड़े बेहद हैरान कर देने वाले हैं। क्यों बढ़ती चली गई प्लास्टिक की डिमांड? अपनी कई विशेषताओं की वजह से प्लास्टिक आज के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ बनता चला गया। ये सस्ता है, टिकाऊ है, वर्सेटाइल और लाइटवेट भी है। साथ ही कई आकार प्रकारों पे आसानी से मिलने के कारण प्लास्टिक का उपयोग आज के जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। प्लास्टिक के इस कदर बढ़े इस्तेमाल का सबसे बड़ा रीजन है कि इसे बहुत कम कॉस्ट पर तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कांच की बोतल और प्लास्टिक की बोतल के प्राइस की तुलना करेंगे तो प्लास्टिक की बोतल बहुत सस्ती पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसको आप कहीं भी लाने ले जाने में बहुत आसानी होती है और टूटने का भी कोई खतरा नहीं होता। बाजार में खरीदारी के लिए रंग बिरंगे कैरी बैग से लेकर किचन के बर्तन, एग्रीकल्चर के उपकरण, परिवहन वाहन, जल वितरण, भवन, डिफेंस उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सहित लगभग सभी क्षेत्रों में आज प्लास्टिक का ही बोलबाला है। वर्तमान की बात करें तो भारत में प्लास्टिक का बाजार 25,000 करोड़ रुपए का है। दोस्तों सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में प्लास्टिक ना होता तो क्या होता, कितनी कठिन होती हमारी जिंदगी। सही मायनों में प्लास्टिक ना हो तो हमारी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। अब प्लास्टिक के बारे में इतना कुछ जान लिया तो चलिए इस पहलू पर भी नजर डाल लेते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने के मामले में। दोस्तों आज हम सभी लोग विदेशों से इम्पोर्ट होने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खूब आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की वजह से। प्लास्टिक में ही इन्हें सील पैक किया जाता है, इसीलिए काफी दिनों तक ये खराब नहीं होते। आज हम जो खाना ऑर्डर करते हैं वो भी प्लास्टिक में ही आता है, ग्लास और स्ट्रॉ आदि भी। प्लास्टिक ना होता तो चीजों को खराब होने से बचाने के लिए किसी और चीज का उपयोग करना पड़ता जो प्लास्टिक की तुलना में काफी महंगी पड़ सकती है। प्लास्टिक ना हो तो हमें डिस्पोजल ग्लास की जगह मिट्टी या कांच के ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी लागत भी बहुत अधिक होती है और टूटने का जोखिम। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या इतनी बड़ी आबादी के लिए कम लागत पर यह कभी उपलब्ध हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी प्लास्टिक का यूज बहुत अधिक मात्रा में होता है। स्विचेस से लेकर प्लास्टिक बोर्ड, कंप्यूटर आदि सब में प्लास्टिक यूज होता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी बहुतायत में प्लास्टिक यूज होता है। सही मायनों में प्लास्टिक के बिना इन सब का रखरखाव काफी कठिन हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी प्लास्टिक का यूज काफी अधिक किया जाता है। मेडिसिन व इंजेक्शन संक्रमण से बचाने के लिए प्लास्टिक से ही कवर किया जाता है। अगर प्लास्टिक की जगह हम कांच की बोतलों का प्रयोग करेंगे तो इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा रहेगी। प्लास्टिक की यूज की आदत हमें इस कदर पड़ चुकी है कि इसके बिना सुविधाजनक जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखा जाए तो प्लास्टिक हमारी लाइफस्टाइल में घुल मिल सा गया है। चलिए ये तो ही आज की बात, अब जरा नजर डालते हैं इतिहास पर। सुजन फ्रैंकलिन ने प्लास्टिक के इतिहास पर एक बुक लिखी है जिसमें इस बात का जिक्र है कि प्लास्टिक की इजाद से पहले दुनिया में कपास था, ऊन था, शीशा था, जूट और रबर थे। इसके अलावा सामान ढोने के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता था। प्लास्टिक के दौर से पहले कुदरती चीजों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ करता था। काफी समय पहले की बात करें तो अमेरिकी एस्टेक सभ्यता के लोग चीजों को तैयार करने में रबर का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसे ही रोमन साम्राज्य में भी हुआ करता था। ऐसे में अगर हमने प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह से छोड़ दिया, जो अब असंभव ही लगता है, तो हम फिर से 19वीं सदी वाला जीवन जीने लगेंगे। वैसे दोस्तों ये भी एक सच है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। किसने सोचा था कि इतना अच्छा आविष्कार नेचर के लिए इतना ज्यादा हार्मफुल भी साबित होने लगेगा। जहां प्लास्टिक में तमाम खूबियां हैं वहीं इसके कई नुकसान भी हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि कब और कैसे यूजफुल प्लास्टिक बन जाता है हार्मफुल। दोस्तों प्लास्टिक पर बढ़ती डिपेंडेंसी एनवायरमेंट के लिए खतरा बनती जा रही है। दरअसल 99% से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन तेल, प्राकृतिक गैसों और कोयले से प्राप्त रसायनों में होता है। ये सभी गंदे और नॉन रिन्यूएबल संसाधन होते हैं और फिर यही प्लास्टिक जब यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है तो ये अन्य कचरों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होता है बल्कि अनेक समस्याओं को जन्म देता है। जिन कंट्रीज में जितना अधिक प्लास्टिक यूज होता है वहां समस्या उतनी जटिल होती है। चिंता की बात यह है कि प्लास्टिक का यूज कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और फिर इस्तेमाल करने के बाद जो प्लास्टिक कचरे में फेंक दिया जाता है वो हमारी पृथ्वी के बढ़ते पॉल्यूशन का और हमारे शरीर में बढ़ती बीमारियों का एक अहम कारण बन रहा है। हालांकि भारत में अभी भी प्लास्टिक का उपयोग डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन इसका यूज यहां भी तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 17 मिलियन टन प्लास्टिक इस्तेमाल होता है और लगभग 3.3 मिलियन मैट्रिक टन वेस्ट प्लास्टिक जनरेट होता है। इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि हमारे देश के शहरों के कूड़े में 10% प्लास्टिक की वस्तुएं और 5% रेशे के टुकड़े होते हैं। की वस्तुओं में अनेक टूटे फूटे बर्तन और घरेलू उपकरण होते हैं।
कुछ दशकों पूर्व तक शहरों से निकलने वाले कूड़े में प्लास्टिक बहुत कम होता था। उनमें ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ ही हुआ करते थे जो आसानी से नष्ट हो जाते थे या खाद के रूप में बदले जा सकते थे। पर वर्तमान की स्थिति काफी नाजुक होती जा रही है। प्लास्टिक के होने वाले एनवायरमेंटल पोल्यूशन को देखते हुए भारत सरकार ने 2018 में कार्यक्रम भी शुरू किया था। हालांकि जमीनी स्तर पर उसको सफल बनाना फिलहाल काफी मुश्किल सा लगता है। और अब आप पूछेंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है तो हमें पहले प्लास्टिक के जैसा ही कोई टिकाऊ और सस्ता ऑप्शन ढूंढना होगा, जो एक बड़ा चैलेंज है। और जब तक हमें ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं मिल जाता, तब तक हमें अपने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को और ज्यादा इम्प्रूव करने में ध्यान देना होगा। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल और रिन्यूएबल प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि हमारी सुविधा एनवायरमेंट के लिए नुकसान बनने से बच पाए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि प्लास्टिक के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। हाँ, मगर हम लोगों को प्लास्टिक की आदत इस कदर हो चुकी है कि इसके बिना हमारी लाइफस्टाइल काफी टफ हो जाएगी। पूरे तरीके से प्लास्टिक का यूज तो बंद नहीं किया जा सकता, पर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम जरूर किया जा सकता है। ये किसी एक इंसान के करने से नहीं होगा, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा और दूसरों को भी इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना होगा, ताकि हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे। तो हम सभी आज से ये प्रण लें कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इजाजत दें, अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।